जब नारद जी पृथ्वी पर आए तो सबसे पहले तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण किया नारद जी ने। हरिद्वार, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, केदारनाथ, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, पुष्कर, प्रयाग, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिका इत्यादि समस्त तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण किया है नारद जी ने। पर नारद जी को शांति की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उस समय अधर्म का सहायक कलयुग आ चुका था। नारद जी ने सोचा आगे बढ़े, शायद कुछ देखने मिले। पर नारद जी ने क्या देखा? सत्यम नास्ति तपः शौचम् दयादानम् न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भासिना। नारद जी देख रहे हैं सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, तपह नास्ति, तप नहीं है, शौचम नास्ति, पवित्रता नहीं है, दया दानम नास्ति, दया और दान भी नहीं है। बड़े बड़े साधु संत असत्यभाषी और आलसी हो गए हैं, मात्र अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, धर्म की ओट में छिप करके अधर्म कमा रहे हैं। जब नारद जी ने ये देखा आगे बढ़े, इससे बड़ा पाप देखा कि जिस देश में, जिस पृथ्वी पर भगवती जगदम्बा मान करके कन्याओं का पूजन किया जाता था, आज उसी देश में उन्हीं कन्याओं के माता और पिता लोभ के वशीभूत होकर के कन्याओं को बेच रहे हैं। नारद जी ने यह देखा। अब नारद जी आगे बढ़े, बड़ा दुख हुआ। भ्रमण करते 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 नारद जी परम रम्य भूमि मां यमुना के तट पर श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। और श्रीधाम वृंदावन में नारद जी देख रहे हैं यमुना के तट पर एक बहुत सुंदर देवी, जिसके बाजू में दो वृद्ध पड़े हुए हैं और उस देवी के चारों तरफ बड़ी सुंदर सुंदर देवियां बैठी हैं। नारद जी को लगा कुछ हो गया होगा मुझे क्या, आगे बढ़ने लगे। लेकिन वो देवी नारद जी को देख करके खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके कहती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपिनाशयो दर्शनम तव लोकस्यो सर्वथाग हरम परम। हे नारद जी, क्षण भर के लिए तिष्ठ, रुक जाइए, आपका दर्शन संसार के सभी पाप और संतापों को समाप्त करने वाला है, रुक जाइए। उस देवी के निवेदन करने पर नारद जी रुक गए। पर नारद जी सोच रहे हैं, मैं इसे नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानती, पूछना चाहिए ये कौन है। नारद जी ने प्रश्न किया, काशित्वम का विमौ चेमा का नार्याः पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। देवी आप कौन है? आपके बाजू में दो वृद्ध पड़े हैं, ये आपके कौन है? ये सुंदर सुंदर देवियां कौन है? आपके कष्ट का कारण क्या है? वो देवी तुरंत उत्तर देती है कि हे नारद जी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। नारद जी, मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति रीति ख्याता, द्रविड़ देश में मतलब दक्षिण में मैं उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में मैं पली बढ़ी, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में मैं पली बढ़ी, गुजरात में जब मैं आई तो मेरी वृद्धावस्था आ गई, लेकिन जब पुनः मैं वृंदावन पधारी हूं तो मुझे पुनः मेरी युवा अवस्था प्राप्त हो गई है। नारद जी ने कहा, यह तो अच्छी बात है कि वृद्ध हो गई थी पर फिर से युवा हो गई। भक्ति ने कहा, मेरे लिए तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो बाजू में मेरे दो पड़े हुए हैं वृद्ध, ये आप जानते हैं मेरे कौन हैं? नारद जी ने कहा, कौन है? तनयौ मतौ, ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है,
और समय की परिवर्तनशीलता तो देखिए, माँ जवान बैठी है और पुत्रों का बुढ़ापा आ गया है। यही मेरे कष्ट का सबसे बड़ा कारण है। हे नारद जी, ये जो सुंदर देवियां जो आप देख रहे हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं जो मुझे सांत्वना देने के लिए मेरे पास में आकर के विराजमान है। नारद जी कृपा कीजिए और इन्हें आप जगा दीजिए, उठा दीजिए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के अनेक प्रयत्न नारद जी ने किए, लेकिन जब ज्ञान वैराग्य नहीं जागे, नारद जी थक गए। अंत में भगवान ने आकाशवाणी की कि हे देवर्षि नारद, यदि ज्ञान वैराग्य को आप चैतन्य अवस्था में लाना चाहते हैं तो संत श्रोमणियों से मिलिएगा। ऐसा कहकर के आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी की चिंता बढ़ गई कि अब ये संत श्रोमणि कौन है और कहां मिलेंगे। अनेक संतों से मिले पर कोई नारद जी की समस्या का समाधान नहीं बता पाया। अंत में नारद जी बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं और बद्रीनाथ पहुंचते ही नारद जी को संत श्रोमणियों का दर्शन हुआ, जिनकी उम्र करोड़ों वर्ष है लेकिन दिखते हैं 5 वर्ष के बालक की तरह। संख्या है 4, नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। नारद जी ने तुरंत चरणों में प्रणाम किया। सनत कुमार आदि ऋषि नारद जी की व्यथा को और चिंता को समझ गए, इसलिए सनत कुमार आदि ऋषियों ने नारद जी को समझाया कि हे नारद जी, सबसे पहले तो आप माँ चिंता कुरु देवर्षे हर सं चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्रो वर्तते पूर्व एवहि। नारद जी, सबसे पहले आप अपनी चिंता को दूर कर दो, मन में प्रसन्नता लाओ और ज्ञान वैराग्य कैसे जागेंगे वो हम आपको बताए देते हैं। और सनत कुमार आदि ऋषियों ने उपाय बताया कि आप ज्ञान वैराग्य और भक्ति को, जिसे सत्कर्म का सूचक कहा गया है, अर्थात श्रीमद् भागवत की पावन कथा श्रवण कराएं। नारद जी प्रश्न करते हैं कि ये पावन कथा मैं कहाँ पर कराऊं। सनत कुमार आदि ऋषियों ने उत्तर दिया कि श्रू नारद वक्ष्याम विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। ये भागवत की जो कथा है, ये आप माँ गंगा के पावन तट पर अनुष्ठान के रूप में प्रारंभ कीजिएगा। स्थान बताया। यदि श्रीमद् भागवत की कथा घर पे की जाए तो एक गुना फल मिलता है, मंदिर में की जाए तो 10 गुना फल मिलता है। लेकिन यही कथा माँ नर्मदा, माँ गंगा या माँ यमुना के पावन तट पर की जाए तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। लेकिन सुखदेव जी परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान, मान लो कोई गंगा नर्मदा यमुना के तट पे कथा नहीं सुन सकता तो क्या उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति नहीं होगी। तब सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं कि जब श्रीमद् भागवत की कथा विराजमान हो जाती है तो उस स्थान पर गंगा, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महानदी इत्यादि समस्त पवित्र नदियां आकर के उस स्थान पर बैठ जाती है। पर गंगा के तट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, गंगा स्वयं उस स्थान पर आती है जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो जाती है। ये भागवत की कथा की महिमा है, महत्व है। तो नारद जी ने स्थान पूछा, सनत कुमारों ने स्थान बता दिया कि गंगा के तट पर आनंद नाम के घाट में भागवत की कथा आप प्रारंभ कीजिएगा। नारद जी ने सनत कुमार आदि ऋषियों की उपस्थिति में श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान माँ गंगा के पावन तट पर आनंद नाम के घाट में प्रारंभ किया। जब भागवत जी का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ तो बिना बुलाए योगेश्वरौ व्यास पराशरौ चो
छाया सुपूजा जलि जन्नु मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री भिरायुरती प्रणयेन युक्ता। बिना बुलाए योगेश्वर व्यास पराशर जाजलि जन्नु इत्यादि इत्यादि ऋषि मुनि सह पुत्र शिष्या पुत्र शिष्यों समेत और जो गृहस्थ है वे सपत्नीक बिना बुलाए उस स्थान पर भागवत की कथा सुनने के लिए पधारे। और पहला आश्चर्य उस स्थान पर यह हुआ कि जो भक्ति दुबली पतली क्रसकाय हो गई थी, जो ज्ञान वैराग्य दुबले पतले हो गए थे, वे हष्ट पुष्ट हो गए, तंदुरुस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, जैसे ही भागवत की ध्वनि कानों में पड़ी। और फिर ये सब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथे दिनामानि मुहुर बदंती कहते हुए, चिल्लाते हुए, दौड़ते हुए श्रीमद् भागवत की कथा में सबसे आगे आकर के बैठ गए। तो भागवत की कथा का प्रताप देखिए कि जो भक्ति दुबली पतली हो गई थी, जो ज्ञान वैराग्य न जाने कब से अचेतन स्थिति में बेहोशी की हालत में पड़े थे, वे भी हष्ट पुष्ट हो गए, तंदुरुस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, चैतन्य हो गए और आकर के सबसे आगे भागवत की कथा में विराजमान हुए। और उसी कथा में पहला आश्चर्य यह हुआ, भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त भक्ति भाव से अनन्य भक्ति भाव से मुझे बुलाते हैं तो अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति अलोक की निज लोकं परित्यज्यो भगवान भक्त बत सला। जब मेरे भक्त अनन्य भाव से भक्ति करके मुझे बुलाते हैं तो मैं निजलोकम परित्यज्यो अपने निजधाम वैकुंठ को त्याग करके अपने भक्तों के पास दौड़ता भागता हुआ चला आता हूँ। और आज जब भागवत की कथा प्रारंभ हुई तो ऐसा ही हुआ। गंगा के पावन तट पर 5 वर्ष के बालक के रूप में भगवान कृष्ण विराजमान हो गए आए हैं। 5 वर्ष के बालक के रूप में पीले पीले वस्त्र पहने हैं, घुंघरारे बाल हैं, सांवरी सी सूरत है। और सभी ऋषि मुनियों के बीच में से धीरे धीरे निकलते हुए चले आए और आकर के श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में विराजमान हो गए प्रभु। तो जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है, कथा के पहले दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं और आकर के भागवत जी में विराजमान हो जाते हैं।